श्रीनगर से लगभग 17 किलोमीटर दूर नसीमबाग शालीमार रोड पर वाका बुरजोहों में कश्मीर के आसार कदीमा की सबसे पुरानी जगह मौजूद है। लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो एक अलग ही नज़ारा देखने को मिला जिसने हमें हैरान कर दिया। वर्ल्ड हेरिटेज साइट की वॉच लिस्ट में शामिल शोहर आफाक बुरजोहों की हालत इजार देखकर रोना आता है। ये मकाम ना सिर्फ दहाइयों से किसी तवज्जो के बगैर पड़ा है, जबकि इस जगह की हिफाजत और देखभाल की जिम्मेदारी एएसआई और स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी की है। एएसआई का महकमा आज भी जम्मू से काम कर रहा है और काम के नाम पर कुछ भी नहीं कर रहा है, बल्कि खुदाई में निकले कमरे भी अब इतने सालों में ढह गए हैं, यहाँ अब दिखाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। 2-3 कमरों को छत लगाकर काफी हद तक नुकसान से बचाया गया है। ब्रोट आमित कुनशत कुनतजस मज अंग्रेज तमो कमोन हम कन बजे हम खड़ा तमो कतन एक्सक्यूशन पत् मिले तमन यून पलन निश अड़जन टूल्स अड़जन हिंद बेस कन तम तबर मुख्तलि चीज ना मतलब बर्तन वर्तन द्राय तम कतरव वतरव। बुरजोहों की आलमी शोहरत याफ्ता ये जगह चारों तरफ से खुली हुई है और लगभग 50 सालों में इसकी हदबंदी नहीं हो पाई है, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि मकामी गांव वालों के नज़दीक ये उनके जानवरों की चरागाह है जिसे महकमे आसार कदीमा उनसे छीन रहा है। नतीजा ये निकला कि मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंच गया। अब कहीं जाकर मामला आपस में निपट गया और अब हुकूमत इस जगह की चारों तरफ से दीवारबंदी कर रही है। वन्य डिपार्टमेंटन स्वाशित कनाल वो बना म्यूजियम ये क्या योर सकूल बच्चे बाकी बाकी टूरिस्ट वारिया मगर तुम दपा ये ना कहीं कर्म डिपार्टमेंटस पांच साहस वरी ब्रो मतलब बस्ती तम लूख कदावर लूख तम ठ फुट मतलब सिकटन जो द्राय ये द्रा बुत ब्या द्रा बुत तम या मतलब ठ फुट लंग तम नोमन मज रोजान मकान अजिक मकान मगर ऐसम नोमन गोफन मज रोजान नोमन गोफन तम ठ फुट लंगथ तम तम वक्त कल लूक तम अव ये बन कि ना मतलब चौड़ी मज पे तंग ऐसम तम छपर थान तिंद मतलब कमर ऐसम इन मैं मतलब कदावर लूख तम बसान मतलब ताक थान ये तो ऐसम पे तम जिंदगी ये मतलब बसर कर रोजान यह पुरमित यह नेचर ये बन चुना मतलब वसन डिपार्टमेंटस कह ये नेचर वजन देखिए यह गई वो भर ये गई कन कतर सोर यथ मेच मे कन कतर अथ मे तम टूल्स वूल्स नारा यह पैच यह नेचुरल यह गई भर यप इत नेचुर क्योंकि यह गई भर क्योंकि पैच तवे मूजूद। इस जगह पर एएसआई की जानिब से लगाए गए कतबू से पता चलता है कि पहली बार येल कैम्ब्रिज एक्सपेडिशन ने हेलमेट डी टेरा और डॉक्टर थॉमसन पेटरसन की कयादत में बुरजोहों में खुदाई की, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर वो काम अधूरा छोड़कर चले गए। इसके बाद अगले 21 सालों तक इसकी तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी। तब 1960 में एएसआई ने इसे अपनी तहवील में ले लिया और टीएन खजांची की रहनुमाई में अगले 11 सालों तक इस मकाम पर शदोमत से खुदाई होती रही। यहां 1000 से 3000 कबल मसीह तक के 4 मुख्तलिफ अदवार के मुतलक जानकारी हासिल हुई। इसके अलावा यहां से हड्डियों और पत्थरों के मुख्तलिफ किस्म के अवजार मिले। अब ये सारी चीजें कलकत्ता के एक म्यूजियम में रखी गई है। खुशायंद बात यह है कि R&B के ज़ेर एहतमाम 84 कनाल पर मुश्तमिल आसार कदीमा की इस जगह की दीवारबंदी की जा रही है। 1.5 करोड़ का यह प्रोजेक्ट अगले साल मुकम्मल होगा, तब ASI यहां पर म्यूजियम तामीर कराएगा ताकि यहां से खुदाई के दौरान मिली नादिर अशिया को रखा जाए। इसके अलावा यहां पर कई मकामात पर मजीद खुदाई की जा सकेगी। रोशन इम्कान है कि यहां पर मजीद खुदाई के बाद कई और राजों पर पर्दा उठाया जा सकता है।
उम्मीद है इस नई पेशरफ से बुर्जुहोम की अजमत रफ्ता बहाल होगी और ये जगह हमें कश्मीर की तारीख के बारे में मजीद मालूमात फराहम करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर उर्दू।